Okay then. So the topic that we are going to discuss in this particular video is about do you think that India's FDI policy has been encouraging for foreign investors? Give your arguments and discuss the policy. ठीक है, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि इंडिया की जो एफडीआई पॉलिसी है ये एनकरेज करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आप इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करो, और अगर करती है तो इसको लेकर के लाइक आप आर्ग्यूमेंट्स अपने देने हैं और पॉलिसी को डिस्कस करना है. दिस इज अ टॉपिक दैट वी गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो एफडीआई पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी. ठीक है ना, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर. द एफडीआई पॉलिसी डेफिनेटली वोइंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स एज दे ड्रॉ मैक्सिमम माइलेज इन टर्म्स ऑफ मार्केट एंड बिजनेस इन दीज कंट्रीज. The different features of FDI are helping attracting investors in India. ठीक है, तो FDI policy definitely foreign investors को attract करती है. जितना आपका ease of doing business एक term होता है, जिसमें इंडिया की ranking भी like decide की जाती है. तो जितना ज्यादा आपका ease of doing business होगा इंडिया में, उतना ज्यादा जो है FDI इंडिया में आएगा. तो उसके लिए इंडिया अपनी FDI policy को थोड़ा सा आसान बना करके रखती है. तो वो चीजें वो लोग करते हैं. The different features of FDI are helping attracting investors in India. और ये different features होता है हमारे FDI का, उसके कारण से जो investors होते हैं वो भी attract होते हैं इंडिया में invest करने को लेकर के. ठीक है, first and the foremost feature is the permission of 100% FDI is granted. सबसे पहला feature तो ये हो गया कि 100% FDI की बात की जाती है. सारे sectors में तो नहीं, but कुछ कुछ sectors में इंडिया में still 100% है available. Still क्या है available, कुछ कुछ sectors में नहीं है, वहां पे धीरे धीरे available हो जाएगा. ठीक है, सुनंदा, वुड यू लाइक टू नेम सम सेक्टर्स वेयर एफडीआई इज 100%? फॉरेन डेवलपमेंट इसके ऊपर, मतलब एफडीआई के इन जनरल एफडीआई का कोई भी टॉपिक मेरा पहले था नहीं. ओके, इतना डिटेल में. हाँ हाँ, ठीक है. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यही हो गया कि बाहर से जो पैसे इंडिया में आ रहे हैं, तो वो लोग आ रहे हैं तो वो लोग पैसे को करेंगे क्या? वो लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या तो अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे. सिंपल सी बात है. तो आपने टेलीकॉम सेक्टर का नाम सुना होगा. टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई है. ठीक है, अच्छा. कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ. आपने हच का नाम सुना होगा, वोडाफोन. तो वोडाफोन वॉज प्रीवियसली नोन एज हच. ठीक है, तो हच एक इंडियन कंपनी थी. एसआर का आपने नाम सुना होगा, एसआर की कंपनी थी. तो उसको कम्प्लीटली वोडाफोन ने परचेस कर लिया. वोडाफोन इज अ कंपनी फ्रॉम इंग्लैंड, वहां की कंपनी है. वो 100% एफडीआई इंडिया में लाती है और पूरे के पूरे कंपनी को ही वो लोग एक्वायर कर लेती है. ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एक्वायरेशन हुआ 100% का, इसका मतलब है कि यहाँ पे 100% अलाउ किया जा रहा है कि आप आकर के करो. ठीक है, आप यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में आकर के नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. टेलीकम्युनिकेशन में स्टारलिंक का आपने नाम सुना होगा, जो कि लॉन्च करने वाला है इलॉन मस्क. तो उसमें भी जो ब्रॉडबैंड वो लोग लाएगा, वो लोग अपना लेकर के आएगा. वो लोग ऐसा नहीं कि किसी के साथ मर्ज करके लाएगा, वो लोग अपना लेकर के आएगा. ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी, बाहर की कंपनीज को इंडिया में अलाउ किया जा रहा है कि वो लोग 100% इक्विटी जो है खरीद सकते हैं या 100% अपना बिजनेस जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होगा. अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ. आपने टेलीनॉर का नाम सुना है? हमारे पास यूनिनॉर का एक टाइप है. यूनिनॉर का, हाँ. तो यूनिनॉर में ना दो कंपनीज थी, एक तो यूनिटेक था और टेलीनॉर था. ठीक है, तो ये लोग दोनों साथ में मिलकर के काम कर रहे थे. उस टाइम पे एफडीआई 100% नहीं था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 100% नहीं था. तो ये लोग साथ में मिलकर के काम करते थे. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो. टाटा एआईजी मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्पॉन्सर है. टाटा एआईजी तो टाटा इंडिया की है, एआईजी वहां की है. तो दोनों ने साथ में मिलकर के स्पॉन्सर करा हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जितने भी सारी इंडिया में है, वो सबके सब देखना जुड़ा हुआ है. बजाज आलियांस, मैक्स बुपा, इफको टोकियो, इस तरीके से करके है ना. तो यहाँ पे दो दो कंपनीज हैं जो कि आपस में काम कर रही हैं. बिकॉज इंडिया में 100% एफडीआई नहीं है. सपोज 25% या 50%, जहां तक मुझे याद है इंश्योरेंस में 50% एफडीआई है. मतलब 50% इक्विटी इंडियन कंपनी का होगा, 50% इक्विटी बाहर की कंपनी का होगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज जो है काम करता है.
तो अगर इंडिया में सपोज 100% एफडीआई ग्रांट कर दिया जाता है तो डेफिनेटली बाहर की कंपनीज बोलेंगी ना कि चलो यहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पूरा कंट्रोल मिलेगा उस चीज के ऊपर। तो वही बात यहाँ पे है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर इज द परमिशन ऑफ 100% एफडीआई इज ग्रांटेड। दिस इज परमिशन फॉर अ सेंट परसेंट एफडीआई इन ऑल सेक्टर्स अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है ना। ऑटोमेटिक रूट की भी बात की जा रही है कि आप बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहले के टाइम पे ना आपको परमिशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट के पास से, बहुत सारे वहां पे काम आपको करवाने पड़ते थे, बट अभी के टाइम पे सिंगल विंडो है जहाँ पे आप सिंपली एप्लीकेशन करो कि आपको इस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्ट करना है, और आप पैसे लेकर के आओ। तो अभी के टाइम पे एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करना इंडिया में बहुत ही आसान हो गया है। अच्छा The FDI is allowed in incentives that acquire industrial license. तो देखो FDI में जो है activities में क्या हो जाएगा, जो industrial license है वो लोग लेते हैं। In proposal where foreign collaborations has existing venture, in proposal for acquisition of shares, and in all proposals falling outside noticed sector policy, notified sector policy. तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिसके जरिए वो लोग जो है investment यहाँ पे कर रहे हैं, industrial license लेकर के industry setup कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेशन करना है मतलब दो कंपनी आपस में मिलकर के काम कर रही है, ऐसा भी होता है। अच्छा ये जो 100% है ना ये अप टू में है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कंप्लीटली 100% इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, 50% ही इन्वेस्ट करना चाहती है। तो कंपनी के ऊपर है, वो 50% भी कर सकती है, 100% भी कर सकती है, ठीक है ना। तो ये अप टू के ऊपर होता है, तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन की बात की जा रही है इसीलिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो लोग कर रहे हैं। देन आफ्टर देर इज अ रिव्यू ऑफ द पॉलिसी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स लिबरलाइजेशन, ठीक है। और फिर जाकर के जो है इसके ऊपर क्या बोलेंगे, रिव्यू भी होता है इस पॉलिसी का, जो भी हमारा लिबरलाइज्ड पॉलिसी है उसके ऊपर फिर इसका रिव्यू भी होता है कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे कि डिफेंस में अभी भी आई गेस 25% हम लोगों ने अलाव करके रखा हुआ है, अमेरिका में अच्छा, डिफेंस के ऊपर 100% है, वहां पे जो प्राइवेट कंपनीज है वो बनाती है हथियार, ठीक है। इसीलिए वहां पे अभी देखना शूटिंग का केस भी एक आया था, स्कूल में जाकर के किसी ने शूटिंग कर दिया, तकरीबन 20-22 लोग मारे गए, ठीक है ना। तो ये चीज उल्टा वहां पे सीधा है इसलिए तो हो वहां पे। पाता है ना क्योंकि वहां पे एफडीआई चूंकि 100% है, तो वहां पे प्राइवेट कंपनीज बना रही है, और वहां पे घर घर पे तुमको दुकान दुकान पे मिल जाएगा गन, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली। हाँ ये एक इशू है। तो डिफेंस के सेक्टर में आई डोंट थिंक इंडिया जो वहां है, पे तो बच्चे बच्चे लोगों के पास रहता है वो। हाँ डिफेंस के सेक्टर में इंडिया में तो ये चीज होना पॉसिबल नहीं है, या होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं हो तो अच्छा है। हाँ नहीं वो अच्छा है, नहीं तो बिहार बिहार साइड में खत्म कहानी। हाँ। और हम लोग का इधर वैसे भी भाई तुरंत तुरंत एकदम भड़क जाता है। हाँ भाई कहीं पे भी दंगा वगैरह हो जाता। और हाथ में रहेगा तो पक्का दंगा होगा। आया तो खत्म खत्म। हाँ वही तो, हाथ में ओके रहेगा तो खत्म कहानी। अच्छा फर्दर देर आर वेल वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स ऑफ एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। अब यहाँ पे देखो वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स की बात की जा रही है। जब ऑटोमेटिक रूट होगा तो ऑटोमेटिक रूट में ऐसा नहीं होगा कि आपने अलाउ किया और तुरंत आपको मिल गया। तो इसका एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है कि आप इस प्रोसीजर के थ्रू चलोगे, आपका ये डायरेक्शन होगा अप्लाई करने का, आसानी से हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसीजर है पूरा जो कि जिसको उन लोगों को फॉलो करना होता है, बाहर की कंपनीज को फॉलो करना होता है। अंडर दिस केस द एफडीआई अप टू 100% इज आल्सो परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर एनआरआई इन्वेस्टर्स मोस्टली इन सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये जो 100% जो यहाँ पे एक तरीके से अलाउ किया जा रहा है एफडीआई बाय द एनआरआई इन्वेस्टर्स, वो लोग जो है सर्विस सेक्टर्स को एक तरीके से टारगेट करके किया जा रहा है। सर्विस सेक्टर में बहुत ही आसानी से आपको 100% तक का एफडीआई मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक रूट जो है उसके तहत आपको मिल जाएगा। मतलब वहां से गवर्नमेंट से कुछ खास अप्रूवल लेना या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, आप उन प्रोसेस को फॉलो करोगे तो सर्विस सेक्टर में आपको आसानी से जो है मिल जाता है, ठीक है। देयर इज अ गवर्नमेंट अप्रूवल रूट आल्सो कम्स टू बी मैंडेटरी फॉर एक्टिविटीज अनकवर्ड अंडर ऑटोमेटिक रूट, ठीक है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज जो कि ऑटोमेटिक रूट के अंदर अंदर नहीं आती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए, उन सारी चीजों में आपको पैसे अगर लगाने हैं, एफडीआई लाना है, तो उसमें उसके लिए आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना इम्पोर्टेंट है, अच्छा ठीक है। अच्छा तो दो तरीका ऑटोमेटिक हो रूल में बेसिकली वो ऑटोमेटिक रूल में बेसिकली वो जरूरत नहीं होता है,
परमिशन लेना हाँ आसान होता है, मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा बोल के रखा है पहले से कि अच्छा भाई कोई बंदा अगर सर्विस सेक्टर में तुम कर इन्वेस्ट रहे हो करना अपना। चाहे तो करने दो, हमें कोई दिक्कत अच्छा नहीं अच्छा है अच्छा ऐसा ओके कुछ। ओके 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 समझ गया। फर्दर देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट अप्रूवल वेयर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड टेक्स केयर ऑल द प्रपोजल्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, तो उसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है जो लास्ट में यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल को लेने का। तो यहाँ पे जो है वेयर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है ये एक बोर्ड है, गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि जो भी प्रपोजल्स उनके पास आते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के उसको रिव्यू करती है। और रिव्यू इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल की बात है, गवर्नमेंट को अप्रूव करना होता है, इसलिए ये बॉडी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ये उस चीज को रिव्यू करती है और फिर ग्रांट करती है अप्रूवल। ठीक है, बिसाइड्स द एफडीआई फ्रॉम एनआरआई एंड 100% ईओयू, ठीक है ना, इसका नाम मैं भूल गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो एफडीआई जो है एनआरआई से इन सारी चीजों में 100% दिया जाता है एक्सपोर्ट आर ऑल्सो ओरिएंटेड परमिटेड। यूनिट, हाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट यही एक्सपोर्ट। होना चाहिए। तो इस चीज के ऊपर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर आपको बनाना है और कोई एनआरआई अगर एफडीआई लेकर के आता है, एनआरआई मींस नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो यहाँ पे आपको 100% परमिशन जो है आपको मिल जाता है तुरंत। ठीक है ना, अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्या हो गया, कोई एक यूनिट आपने सेटअप करा जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट आप करोगे तो अल्टीमेटली फायदा इंडिया को ही होने वाला है, तो यहाँ पे आपको 100% तक का छूट मिल जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, परमिशन जो है बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। इट कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एफडीआई फ्रॉम एनआरआई विद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, दे आर सबमिटेड टू द पब्लिक रिलेशन एंड कंप्लेंट सेक्शन पीआरएनसी। अब ये एक डिपार्टमेंट है ऑफ द सेक्रेटरिएट ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंस। ठीक है, तो ये ऐसा ये है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है पीआरएनसी, यहाँ पे जो है आप अपना एप्लीकेशन डालते हो अपना इन्वेस्टमेंट्स के अच्छा साथ, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पीआर दाता के साथ। मतलब पब्लिक रिलेशन। हाँ, पब्लिक हाँ, रिलेशन, पब्लिक यस रिलेशन, ओके पब्लिक ओके। रिलेशन। अब पीआर टीम तो हम लोग काफी कॉमन हो गया अभी के टाइम पे, सभी का होता है हाँ, स्टार्स का वही। खासकर। हाँ, ओके, देयर आफ्टर देयर इज प्रोहिबिशन, यहाँ पे देखो प्रोहिबिशन भी है ऑफ एफडीआई अंडर विच एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन गैम्बलिंग, लॉटरी, लॉटरी बिजनेस, बिजनेस ऑफ चीट फंड, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस इन अदर एंड इन अदर सच बिजनेसेस। तो ऐसा कुछ कुछ यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताया गया जहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है। ठीक है, एफडीआई आप इन्वेस्टमेंट बाहर से करवा ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। ठीक है, लॉटरी के केस में लॉटरी बिजनेस, चिट फंड का कोई बिजनेस है, हाउसिंग और रियल एस्टेट का कोई बिजनेस है, तो यहाँ पे एफडीआई नहीं हो सकती, बाहर से एफडीआई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता है इन सारी चीजों पे। अ जनरल अच्छा परमिशन ऑल्सो एग्जिस्ट ऑफ आरबीआई अंडर फीवा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत एक जनरल परमिशन जो है ऑल्सो एग्जिस्ट करता है, ये परमिशन भी आपको लेना पड़ता है। ये लेना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन एक्सचेंज, बाहर से जब पैसा आएगा तो डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, इंडियन करेंसी में तो नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको आरबीआई जो है उससे भी परमिशन लेना पड़ता है, आरबीआई के अंडर में फीमा आता है उसके पास भी आपको परमिशन लेना अच्छा पड़ता है। ठीक है, अच्छा परमिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो ओके ग्रांटेड बाई एग्जिस्टिंग कंपनीज। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं उनके द्वारा भी परमिशन ग्रांट किया जाता है इन्वेस्टमेंट का कि आप चाहो तो हमारे में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बिसाइड्स हाँ। देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऐसे कुछ करके है, तो इनका भी एक तरीके से यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, बाहर से जब अच्छा इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है ना तो ऐसा नहीं होता कि जो बाहर की कंपनीज है वो अपने पैसे लगाती है, वो कंपनीज क्या करेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक या आईएफसी से पैसे उधार पे लेगी, लैंड ले बोरो करेगी और बोरो करके फिर इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, लोन ले करके फिर बिजनेस को स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे एडीबी समटाइम्स, हमेशा नहीं, एडीबी और आईएफसी का भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट जिसको एडीआर बोलते हैं, अंडर विच द इंडियन कंपनी इज परमिटेड टू रेज फॉरेन करेंसी वाया एडीआर और जीडीआर इन अब्रॉड। ठीक है, तो एडीआर और जीडीआर के बेसिस पे इंडियन कंपनीज जो है बाहर से
फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी जो है जनरेट कर सकती है, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, ओके ओके ये चीज भी यहाँ पे आ जाएगी। देर इज ऑल्सो इशुएंस ऑफ अच्छा फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज्म एज पर द स्कीम, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल ओके है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ठीक है, ये इसका भी इश्यूएंस होता है अच्छा रिसीट मैकेनिज्म ओके एज पर द स्कीम, स्कीम के अकॉर्डिंग हमेशा नहीं। फर्दर दे आर प्रेफरेंस शेयर्स वेयर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज डन थ्रू देम व्हेन द प्रपोजल्स आर इंप्लीमेंटेड ईदर बाय ऑटोमेटिक रूट और FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, अच्छा ऑटोमेटिक एफ आई रूट, पी और बी ये आई गेस परमिशन वाली बात होगी मे बी, हाँ तो प्रेफरेंस शेयर्स की बात की जा रही है, देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स वेयर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज डन टू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, हाँ आई गेस यू आर राइट, यही होगा। तो हाँ इन दोनों केसेस में प्रेफरेंस शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है एफडीआई के थ्रू, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स में आपने सुना होगा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो अच्छा जो क्या कहेंगे जो उसका डोमेन है थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि जो सिंपली हम लोगों ने पढ़ा है प्रेफरेंस शेयर वही होगा, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे एफडीआई की बात की जा रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन वगैरह और भी डिटेल में होगा, तो उतना टेक्निकल आई डोंट थिंक यहाँ पे गया है और ज्यादा नहीं गया है, ठीक है, तो ये जस्ट याद रख सकते हैं कि यहाँ पे फर्दर जो है प्रेफरेंस शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है थ्रू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और उस केस हाँ में हाँ जो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रपोजल होगा वो इधर ऑटोमेटिक रूट होगा या फिर तो FIPB के थ्रू होगा। FDI, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल पार्क, EHTP मुझे याद नहीं है, STP भी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, तो ये आप बोल सकते हो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन है जहां पे FDI किया जाता है, FDI से इन्वेस्टमेंट होता ओके है, ओके स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे कि ओके सूरत हो गया, इंडिया में बहुत सारा इकोनॉमिक जोन इंडिया ने बना करके रखा हुआ है जहां पे जैसे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता हम लोग का इंडिया में अभी जैसे वो कुछ लोटस ग्रुप या फिर ऐसा कुछ है ना, मतलब जहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या करते हैं, तो ये कुछ ऐसा है क्या, फॉरेन एफडीआई वगैरह सब? है। नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्चुअली अच्छा वो इकोनॉमिक जोन हो गया जहाँ पे ट्रेड जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, जहां से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं जो कि इंडिया के बाहर भेजे जा सकते हैं, अच्छा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ओके भी ओके वही है, ओके तो ओके ये ना स्पेशल एक जगह के बारे अच्छा में बात की जा रही है, स्पेशल प्लेस के बारे में बात की जा रही है जहाँ पे ओके ट्रेड ओके कॉमर्स जो है ओके काफी ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, इंडिया के बाहर वहां से ओके सामान ओके जाता है वगैरह वगैरह, तो वहां पे FDI की बात की जा रही है, ओके बाहर से इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली उस जगह पे होगा, ओके 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 ठीक ओके है, ओके कोई ओके इंडस्ट्रियल ओके पार्क ओके है ओके या इस तरह की चीज, समझ गया अभी थोड़ा, हाँ समझ गया अच्छा अब। इसको डिटेल में यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ये देखो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ना जैसे ये इजेड क्लियर हो ओके जाएगा, हाँ एज पर द सेक्टरल नॉर्म्स द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जोन्स आर फॉर्म्ड प्रोवाइड लिबरल इकोनॉमिक नॉर्म्स टू द कंपनीज, ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंपनीज काम करती हैं जो होती हैं उनके लिए जो चीजें जो रूल्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही लिबरल होता है, वहां पे बहुत ज्यादा कड़ा रूल नहीं होता, रिजिड रूल नहीं होता, बहुत ही लिबरल एक तरीके से पूरा का पूरा एनवायरमेंट होता है, 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इज ग्रांटेड टू सेट SEZ, अगर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको अपना कंपनी तैयार करना है तो उस केस में SEZ, आपको हंड्रेड हाँ परसेंट FDI वहां पे मिल जाता है, ठीक है, हाउएवर द प्रपोजल्स दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूल कुड बी अप्रूव्ड बाय FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो गवर्नमेंट की बॉडी आपने जो बताया उसके थ्रू भी मिलता है, अगर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं मिलता है बट उस केस में आपको अप्रूवल और अप्रूवल की बात होती है, गवर्नमेंट का अप्रूवल वहां पे होना चाहिए, गवर्नमेंट से डिपेंड करता है। हाँ यस, अच्छा ये रहा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, अच्छा नीचे में ही फुल फॉर्म से दिक्कत नहीं होगा, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, देयर इज एन अलाउंस ऑफ 100% FDI टू द सेक्टरल नॉर्म्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स आल्सो, सिमिलर टू द केस ऑफ SEZ द प्रपोजल्स नॉट कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट कैन बी इजीली अप्रूव्ड बाय द FIPB, ठीक है, तो इसको मैं ओके बता ओके नहीं रहा, सिंपल वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है,
इंडस्ट्रियल पार्क के केस में भी अ ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी इज अलाउड टू सेटअप इंडस्ट्रियल पार्क इन इंडिया. 100% एफडीआई इज परमिटेड टू सेटअप इंडस्ट्रियल पार्क अंडर द इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम बोल लो, ठीक है. तो इसके तहत आप 100% इन्वेस्टमेंट करके 100% एफडीआई आप इन्वेस्ट करके अपना एक इंडस्ट्रियल पार्क स्टार्ट कर सकते हो पूरा का पूरा, तो वो भी पॉसिबिलिटी है. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, ईएचटीपी, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. हाँ थोड़ा सा अनकॉमन सा नाम था. द सेटिंग अप ऑफ काफी एडवांस स्टेज नाम लग रहा है. हाँ, the setting up of EHTP units ensures that all the proposals of FDI NRI are allowed under the automatic route. ठीक है, तो ये electronic hardware technological park जो है ये इसलिए setup किया जा रहा है ताकि आप ensure कर सको कि जो FDI NRI के through जो आ रहे हैं, FDI जो आ रहे हैं उसको under the automatic rule बहुत ही आसानी से allow किया जा सके. ठीक है, तो ये यूनिट भी तैयार किए जाते हैं for the promotion of FDI. अच्छा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस टू सेटअप एसटीपी यूनिट्स. ऑल प्रपोजल्स फॉर एफडीआई एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन एसटीपी यूनिट्स आर डिक्लेयर्ड एलिजिबल. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी समटाइम्स एक तरीके से तैयार किया जाता है. अब इसके तहत क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, जो भी एफडीआई आएगा, और अगर वो एसटीपी के थ्रू अगर होगा, एसटीपी यूनिट्स के थ्रू अगर होगा, तो उसको एलिजिबल माना जाएगा. ठीक है, डिक्लेयर्ड एलिजिबल. तो ये थोड़ा सा कंडीशन वगैरह है, इन सबको बनाने के पीछे ये सारा रीजंस है. ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट पेबल्स. इंपोर्ट पेबल्स तो हो गया वो चीज, जो चीजें हमारा आ रहा है इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उसके जो पैसे पेमेंट हम लोग को करने हैं वो तो इंपोर्ट पेबल हो गया. अब इसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट पेबल्स, द एफडीआई इनफ्लोज आर रिक्वायर्ड बाय इनवर्ड रेमिटेंस वाया नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स. Required by inward remittance via normal banking channels के through, inward remittance required किया जाता है for the capitalization of import payables. नहीं, उसके हिसाब से FDI inflow. Okay, ये थोड़ा सा technical चला गया, थोड़ा सा इसको और details में करना होगा. They are also done by debit to specific person's account in authorized bank. ये थोड़ा सा technical चला गया, ठीक है, इसका एक example होता तो ज्यादा सही रहता. इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब बोल रहा है कि मतलब जो पैसा है जो मैंने रिसीव किया है के थ्रू जो पैसा इंडिया में आ रहा है वो नॉर्मल बैंकिंग के तहत होगा, नॉर्मल बैंकिंग चैनल जो होता है उसके तहत होगा. यस, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट पेबल्स. हाँ, मेरा नॉर्मल, मुझे लग रहा है ये कहना चाह रहा है कि मेरा मतलब नॉर्मल जो करंट अकाउंट वगैरह है जो बिजनेस के लिए मैं यूज करता हूँ मतलब उसके अंदर वो आ जाएगा अमाउंट या फिर पैसा या फिर ऐसा कुछ. मतलब ये आई थिंक छोटे लेवल पे हो गया, बहुत ही छोटे लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन की बात की जा रही है. तो एक आदमी यहाँ पे क्या ही मतलब करेगा चीजों को. खैर, थोड़ा यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल होता तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता. कोई नहीं, टॉपिक याद रखना है और क्या. अच्छा, लास्ट पॉइंट, FDIs and SSIs. ठीक है, SSI, small scale units, नहीं, small scale industry में भी शायद होगा. FDI in SSI, the small scale as per the existing norms, can never have over 24% equity in its paid up capital from any of the industrial undertaking, be it either foreign or domestic companies. तो यहाँ पे 24% equity की बात की जा रही है, total paid up capital का 24% जो है उससे ज्यादा यहाँ पे investment नहीं हो सकता. ठीक है, द स्मॉल स्केल एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स कैन नेवर बी ओवर 24% इक्विटी इन इट्स पेड अप कैपिटल फ्रॉम एनी ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, चाहे वो फॉरेन हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी हो. 24% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे नहीं हो सकती, एफडीआई की बात यहाँ पे नहीं हो सकती. ठीक है, फॉरेन कंपनी के केस में भी, कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट मतलब काम कर रही है उसमें अगर एफडीआई आता है बाहर से तो उस केस में भी 24% से ज्यादा इक्विटी पेड अप कैपिटल का नहीं जाएगा, उतना ही होना पड़ेगा. 100% पेड अप कैपिटल अगर होता है. अच्छा, पेड अप कैपिटल क्या होता है आपको याद है? पेड अप कैपिटल मतलब वो जो पहले जो इशू होता है उसके बाद जो मतलब शेयर होल्डर्स जो जितना पैसा मैं शेयर होल्डर्स को अभी फिलहाल के लिए इशू कर रहा हूँ वो शायद पेड अप कैपिटल. हाँ हाँ
सही सही फिलहाल सही जितना मैंने अभी तक किया है वो प्रोराटा अलॉटमेंट वगैरह में ये सब था बहुत चीजें। हाँ इशू सब्सक्राइब पेडअप, पेडअप में हाँ 10 रुपए का हाँ शेयर पेडअप है, तीन मतलब अभी रुपए तक आपने जितना पेमेंट कॉल्स किया हुआ था वो है, पेडअप कैपिटल। हाँ अभी तक जितना कॉल्स हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेडअप कितना हुआ। हाँ ये हाँ पेडअप कैपिटल की बात की जा रही है, 24% ही उसका हो सकता है, 100% का। ओके ओके ठीक अमेरिकन है। डिपॉजिटरी रिसीट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अच्छा ये अलग पॉइंट था ठीक है ना, एडीआर जीडीआर, अंडर दिस प्रोविजन द इंडियन कंपनी इज ओके परमिटेड टू रेज फॉरेन करेंसी वाया एडीआर और जीडीआर इन इट्स इन फॉरेन नेशंस। ठीक है, तो इस चीज के तहत, एडीआर जीडीआर के तहत आप फॉरेन नेशंस में, एडीआर और जीडीआर के तहत आप फॉरेन करेंसी को रेज कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी को आप वहां से बोरो कर सकते हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, देयर आर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऑल्सो नोन एज एफसीसीबी दैट आर इशूड थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट मैकेनिज्म एज पर द स्कीम। ये हम लोगों ने पहले भी किया था। ठीक है, तो ये एफडीआई के बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, कि इंडिया की जो एफडीआई पॉलिसी है वो कैसी है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज करती है कि नहीं करती है, ये नोट उसको मुझे लेकर थोड़ा के। हाँ पढ़ना होगा, ये थोड़ा एडवांस टाइप मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसके नहीं, थोड़ा इसको थोड़ा दो एडवांस तीन बार है। पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, दिक्कत हाँ हाँ नहीं। हाँ हाँ वही मतलब ये मैंने पहले मतलब कभी किया नहीं है इतना। अभी तक जितना भी मैंने कर जितना भी टॉपिक में कर रहा थोड़ा बहुत रिलेटेड था, ये मतलब थोड़ा नया है मेरे लिए, तो ये मुझे थोड़ा ठीक से करना हो। तो इसको कर लीजिएगा, ये दो क्वेश्चन ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, हाँ 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 ठीक 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 ओके ओके देन, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है। इसको रिवीजन कर लीजिए हाँ और असाइनमेंट्स तो आपने डाउनलोड कर सैटरडे लिया को, है। हाँ सैटरडे को आप कराएंगे ना नेक्स्ट सैटरडे सुबह हाँ को। सैटरडे को होगा अगला क्लास। ठीक, ओके ओके ठीक है देन, ओके मिलते हैं सर। फिर अगले क्लास में। टाटा बाय बाय। हाँ, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट बोल, बाय बाय। हाय बाय।